नमस्कार दोस्तों, आज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सोया मंचूरियन की रेसिपी। शानदार, मजेदार, हेल्थी और टेस्टी रेसिपी होगी। सोया आपने बहुत बार खाई होगी, भरपूर विटामिन से और कैल्शियम से भरपूर होती है, लेकिन सोया मंचूरियन के तो क्या कहने। आइए मैं आपको दिखाता हूँ एक सोया मंचूरियन की रेसिपी। इसके लिए हम सोयाबीन की मंगोड़ी लेंगे। मंगोड़ी आपको आसानी से मिल जाएगी। इस तरह की जो सोयाबीन होती है उससे बहुत ही अच्छा टेस्टी ये आपका नाश्ता बनेगा। इस तरीके से आप मार्केट में भी इजीली मिल जाएगी। आप यहाँ पे ले लें, क्वांटिटी कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम सोया चूंग ली है। उबालेंगे गर्म पानी में। गर्म पानी में डालने के लिए मैंने 5 लहसुन लिया है, लहसुन की कलियाँ ली है। साथ ही मैंने अदरक के टुकड़े लिए हैं, इस तरीके से लंबे लंबे काट लिए हैं। और 5 से 6 लाल मिर्च लिए, सूखी हुई लाल मिर्च है। इन्हों को भी हम डाल करके और उबाल लेंगे। किसी बड़े बर्तन में डाल करके आप इन्हें पानी में उबाल ले। यहाँ पे एक फ्राई पैन ले लूँगा और उसमें डाल देंगे हम पानी। आधा लीटर आप पानी डाल दें। पानी जब गर्म हो जाए तब आप ये सोयाबीन की जो मंगोड़ियाँ होती है, सोया चूंग होती है, आप उनसे डाल देंगे। पानी ये गर्म हो चुका है। यहाँ पे जो हमारी सोया थी उसको मैं डाल दूँगा। मैंने आधी सोया ही डाली है। आपको जितनी आवश्यकता उतना डाल दें। साथ ही हम डाल देंगे अदरक। अदरक के बड़े टुकड़े करके हमने इसमें डाले हैं। लहसुन डाल देंगे। इससे सोया जब उबलेगी तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा, इसलिए हमने इसे डाला है। और उसके बाद में हम इसको अन्य काम में भी ले लेंगे। यहाँ पे लाल मिर्च मैंने डाल दी है। इस तरीके से डाल करके और आप उबाल लें। आप इसका बंद कर दें और लगभग 3 से 4 मिनट के लिए आप इसको उबाल लें ताकि ये ढंग से उबल सके। 4 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी हो गई। यहाँ पे आप गैस बंद कर देंगे। हमारे को इसको ओवर कुक नहीं करना, इतना ही पकाना है जितना ये दिख रहा है। इसे पक जाए तब आप गैस बंद कर देंगे और इसका सारा पानी आप निकाल लेंगे। ये हरी मिर्च, ये लाल मिर्च और लहसुन और अदरक आप अलग निकाल लें। गैस हमने बंद कर दी है और ये सोया चूंग जो था वो किसी चालनी वाली बर्तन में हम निकाल लेंगे ताकि इसमें सारा पानी जो था वो नीचे निकल सके। और ये जब आप निकालें तो किसी चालनी की सहायता से निकाल लें। और ये सारे जो सोया थे उसको आप इस तरीके से निकाल करके और उसको दबा करके इसका पानी भी रिलीज कर लें। जब आप लेंगे तो नीचे सारा का सारा पानी निकल जाएगा। यहाँ आप इसको किसी चम्मच की सहायता से दबा करके इसका सारा पानी निकाल लें इस तरीके से। और दबा करके निकाल लें। बहुत ज़्यादा आपको प्रेशराइज भी नहीं करना और इसमें पानी भी नहीं रहा है इतना देखें। और इस तरीके से पानी निकाल करके और आप इसको अलग कर लें, ठंडा होने के लिए रख देंगे। इस तरीके से आप सोया मंगोड़ी को अलग कर लेंगे। लाल मिर्च, अदरक और लहसुन को भी आप अलग कर लेंगे। यहाँ पे ये जो पानी था इसको आप आटा उसलने में या अन्य किसी तरीके से काम में ले सकते हैं। ये बहुत ही हेल्थी और टेस्टी पानी होता है। आप इसका यूज़ करें और इन्हों को आप ठंडा होने के लिए रख दें। हम किसी मिक्सर जार में डाल करके इन्हों की चटनी बना लेंगे। एक लाल चटनी बनाएंगे। यहाँ पे मैंने नमक लिया है और जितना नमक लिया है उतना ही चीनी लिए, दोनों बराबर बराबर मात्रा में लिए हैं। इनको डाल करके एक चटनी बना लेंगे आप मिक्सर जार में। लीजिए, एक बन करके तैयार हो गई आपकी चटनी, जो कि हमारे बहुत काम में आएगी। बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है। इस तरीके से आप एक बार चटनी बना करके ट्राई करें। सोया बड़ी ठंडी हो गई। अब हम इसे किसी अन्य प्लेट में डाल लेंगे। प्लेट में डाल करके हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। मैं ये जो हमारी लाल चटनी थी वो हम 1 चम्मच इसमें डाल देंगे। इसमें लहसुन भी आ जाएगा आपका, अदरक भी आ जाएगा और लाल चटनी भी आ जाएगी। इसके अलावा मैं यहाँ पर डाल दूंगा नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा डाल लें। साथ ही मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे मैं कुछ लौंग का पाउडर लिया है, 7 से 8 लौंग को हमने पीस करके तैयार किया है, उनको हम इसमें डाल देंगे। मैं ले रहा हूँ यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का पाउडर, 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। यहाँ पे आप अरारोट ले सकते हैं। साथ ही मैं ले रहा हूँ मैदा, 2 चम्मच ही मैदा लिया है, बराबर बराबर मात्रा में लिया है। यदि आपके पास में कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप सिर्फ मैदा डाल लें, या मैदा ना हो तो केवल कॉर्नफ्लोर डाल लें। कॉर्नफ्लोर मैदा ना हो तो अरारोट डाल सकते हैं। इस तरीके से इसको डाल करके आप मिक्स कर देंगे और मिक्स करके इसको पूरी तरीके से किसी चम्मच की सहायता, यहाँ पे आप इस तरीके से सोया को मिक्स कर लें ताकि ये अलग अलग हो सके। आपको इसके ऊपर कोट करना है मैदा, कॉर्नफ्लोर का और मसालों का। उसके बाद में हम इसको फ्राई करेंगे तेल में। एक बार आप इस तरीके से इसको मिक्स कर लें सारे को। इस तरीके से एक 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 अलग हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से आपको ये सोया के ऊपर कोट कर लेना है ताकि जब आप तेल में फ्राई करें तो ये अलग अलग फ्राई हो सके। इसको 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दें और आप किसी कढ़ाई में तेल गर्म करके और उसमें इसको फ्राई कर लें।
हमने लिया है तेल, तेल कढ़ाई में गर्म हो चुका है। अब ये जो हमारी सोया बड़ी थी, एक एक करके हम इस तरीके से अलग अलग करके इसको डाल देंगे और इसको हम तेल में फ्राई करेंगे, होने देंगे, इसको डार्क ब्राउन होने तक इसको सेकना है। आप सबको अलग अलग करके डालें ताकि ये एक साथ नहीं चिपके। इस तरीके से आप इसको तेल में फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से हमने सारी सोया इनको इसमें डाल दिया है और इसको आप तेल में फ्राई कर लेंगे। जब ये डार्क ब्राउन हो जाएगी तब आप इसे निकाल लें। यहाँ पे आपको गैस लो टू मीडियम में रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं सिकना, अदरवाइज ये अंदर से नहीं सिक पाएगी और बाहर से सिकने हुए जैसी लग जाएगी। इस तरीके से आप इसको सेक लेंगे। ये बनकर के तैयार हुई आपकी ये सोया, इसको आप निकाल लेंगे। ये वाइट कलर जो आपको दिख रहा है ये आपके मैदा और कॉर्नफ्लोर की वजह से दिख रहा है। इसको आप किसी टिश्यू पेपर वाली प्लेट्स पे निकाल लें ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल हो वो निकल सके, रिलीज हो सके। इस तरीके से आप सारी सोया बड़ी को निकाल लेंगे और किसी टिश्यू पेपर वाली प्लेट्स पे अलग कर लेंगे। हमने गाजर लिए जिसको हमने कद्दूकस कर लिया है, कैप्सिकम लिया है, शिमला मिर्च जिसे बोलते हैं इसको हमने 4-5 टुकड़ों में काट लिया है, ये प्याज है जिसको हमने लिया है बारीक चॉप कर लिया है, और एक ये हरी मिर्ची है। इन सबको हम इसके मसाले जो बनाएंगे, ग्रेवी बनाएंगे, उसमें डालेंगे। यहाँ पे हम ले लेंगे एक कढ़ाई जिसमें मैंने डाल दिया है तेल। तेल की जगह आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जब तेल गर्म हो जाए तब इसमें ये मैं आधा छोटा चम्मच राई का डाल दूंगा। राई से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही मैं डाल रहा हूँ जीरा, जीरा भी आप इसमें डाल दें, जीरा, और इसको पकने दें राई को। राई और जीरा जब आप पक जाए तो थोड़ा सा मैं हरा धनिया के बीज है जिसको हमने बारीक कूट लिया है उसको भी हम डाल देंगे। साथ ही मैं डाल रहा हूँ काली मिर्च, 7-8 काली मिर्च लिए जिसको हमने कूट लिया है। और ये हम हरे प्याज हैं, ये प्याज हैं नॉर्मल जिसको हम डाल देंगे। ये प्याज छोटे वाले प्याज हैं, इसके अतिरिक्त हमने बड़े प्याज भी लिए हैं। साथ ही मैं डाल दूंगा हरी मिर्च, एक हरी मिर्च भी डाल देंगे और इनको आप पका लेंगे। प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट आपको पकाना है ताकि प्याज और हरी मिर्च ढंग से पक सके। उसके बाद में जब ये पक जाएंगे तब हम अन्य सब्जियां भी इसमें डालेंगे। एक बार इनों को पका लेंगे हम। हरी मिर्च पक रहा है, हम यहाँ पे ले लेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर मैंने 2 चम्मच लिया है, इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी डाल करके आप इसकी एक मिक्सचर तैयार कर लें, इसके सारे लम्स हटा लेंगे और इस तरीके से एक जो कॉर्नफ्लोर में आपके जो मिक्सचर होगा उसमें डालने के लिए कॉर्नफ्लोर का आप पेस्ट तैयार कर लेंगे। इस तरीके की एक गाढ़ा पेस्ट नहीं, थोड़ा सा लिक्विड पेस्ट आप तैयार कर लें। ये कॉर्नफ्लोर डाल करके मैंने तैयार किया, जो आपके पास बच गया था जब हमने चुंग में डाला था, सोया में डाला था, तो वो भी आप मिक्सचर में थोड़ा कॉर्नफ्लोर और मैदा का जो लोया बच गया हो, जो एक्स्ट्रा हो, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। आपके प्याज और हरी मिर्च पक कर के तैयार हो गए, पूरी तरीके से मिक्स हो गए हैं। यहाँ पे इस स्टेज पे मैं डाल दूंगा थोड़ी सी गाजर जो हमने ली थी। एक कटोरी गाजर ली है मैंने, 2 गाजर थी छोटी वाली जिसको हमने काट के डाला है। साथ ही मैं डाल दूंगा कैप्सिकम, शिमला मिर्च, इनों को डाल करके आप एक बार मिक्स कर लें इस तरीके से। इसको भी आप पका लें ताकि ये सब्जियों में पक सके। यहाँ पे प्याज भी आप डाल देंगे। प्याज को मैंने थोड़ा सा बड़े साइज में किया है, इस तरीके से एक एक करके प्याज किया है। प्याज मैंने छोटा भी डाला है, इसके साथ ही बड़े प्याज बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए आप बड़े प्याज भी डाल दें और बड़े प्याज डाल करके इसको भी पका लें ताकि इनों का कच्चापन निकल सके। इस तरीके से आप जब इनों को डालेंगे तो प्याज से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और लुक भी प्याज का बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे आप इस तरीके से प्याज और शिमला मिर्च और गाजर को भी पकने देंगे 2 मिनट के लिए। जब ये पक रहे हैं तब आप ये जो हमारा कॉर्नफ्लोर का पानी था वो हम इसमें डाल देंगे ताकि इसकी ग्रेवी तैयार हो सके। और इसको डाल करके थोड़ा सा आप मिक्स कर दें इस तरीके से ताकि ये कॉर्नफ्लोर का जो पानी है वो भी इसमें मिक्स हो सके। जो जिसमें हमने सोया वगैरह बनाया था उसमें ये जो पेस्ट बच गया था, मसाला बच गया था, उसको भी मैं इसमें डाल दूंगा ताकि ये भी काम में आ जाएगा। इस तरीके से आप काम में ले लेंगे इसको और बचे हुए को भी इसमें डाल देंगे ताकि यहाँ पे ये एक ग्रेवी और गाढ़ी बन सकेगी। इस तरीके से आप इसको पका लेंगे। ग्रेवी वगैरह पक रही हो तो इस स्टेज पे मैं डाल दूंगा थोड़ा सा डार्क सोया सॉस। ये सोया सॉस आपको मार्केट में सभी जगह मिल जाएगा, थोड़ा सा हमारे को डालना है। 1 चम्मच हम इसमें सोया सॉस डालेंगे। साथ ही मैं डाल रहा हूँ चिली सॉस। ये चिली सॉस भी आपको बाजार में मिल जाता है, चिली सॉस से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा हम इसमें चिली सॉस डाल देंगे।
पीली पकड़ी हो तो यहाँ पे जो हमने चटनी बनाई थी उसमें से एक चम्मच हम इसमें चटनी में डाल देंगे ताकि इसमें लहसुन का, अदरक का और लाल मिर्च का टेस्ट आ सकेगा। थोड़ी सा आप चाहें तो आधी चम्मच और डाल दें, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये ग्रेवी से ज़्यादा अच्छा आपकी टेस्टी सोया चंक बन सकेगी। इस तरीके से आप इसको डाल करके मिक्स कर दें। इस पर हम थोड़े से सूखे मसाले डाल देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर लिया है, साथ ही ले रहा हूँ लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च की इतनी आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने लाल मिर्च सूखी भी डाल दी है। इसके अतिरिक्त मैं आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर भी डाल दूंगा, इससे भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। नमक आप लास्ट में डाल सकते हैं। इसको डाल करके आप एक बार मिक्स कर दें ताकि सूखे मसाले भी आप इसमें इस तरीके से डाल लें और इन्हों को मिक्स कर लें। देखिए ग्रेवी ने कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दिया, यहाँ पे इस स्टेज पे आपकी ग्रेवी पक गई है। साथ ही आपके ये जो प्याज है, हरी मिर्च है, गाजर है, वो भी पकने शुरू हो गए। इस स्टेज पे आप अपनी सोया को डाल सकते हैं। यहाँ पे जब ये पक जाए तब हमारी ये जो सोया बड़ी थी जिसको हमने कढ़ाई में सेका था उसको आप एक एक करके डाल दें। ये एकदम डार्क है, कड़क है, इसलिए आप इसको डाल करके मिक्स कर दें और यहाँ पे आप इसको लगभग 3 से 4 मिनट के लिए होने दें इस तरीके से मिक्स करके, ताकि ये ढंग से और ज़्यादा पक सकें। ये देखिए इस तरीके से ये सोया चंक हो गई है, इसको हमने मिक्स कर दिया है। यहाँ पे जो हमारा पानी था जिसको हमने उबालने में रखा था वो सारा का सारा पानी मैं इसमें डाल दूंगा ताकि ये अच्छी ग्रेवी के साथ हो सके। साथ ही जो सोया है वो एकदम कड़क हो गई है, उसको भी थोड़ा सा सॉफ्टनेस मिल जाएगी। पानी डाल करके आप इसको पका लें, लगभग 2 से 3 मिनट पका लें ताकि इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा टेस्टी स्वाद आ सकेगा। पानी से थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी ये ग्रेवी और ये जो पानी था ये हमारा काम में आ जाएगा, जो कि हमने लहसुन, अदरक और लाल मिर्च डाल करके और सोया डाल करके पकाया था, सोया का सारा टेस्ट भी इसमें आ जाएगा। बनकर के तैयार हो गई हमारी सोया बड़ी की बहुत ही शानदार सोया मंचूरियन। अब इस स्टेज पे मैंने नमक नहीं डाला है, यहाँ पे हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा डाल दें। नमक डाल करके आप इसको मिक्स कर दें और इसको 1-2 मिनट और होने दें ताकि इसमें नमक का टेस्ट आ सके। इतनी लिक्विड तो होनी चाहिए कि हमारे को एकदम हार्ड नहीं चाहिए। इतनी लिक्विड जितनी मैंने बनाई है उतनी लिक्विड बना के देखें, ट्राई करके देखें, बहुत अच्छी स्वाद आएगा इसमें। लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और ये आपकी सोया मंचूरियन बनकर के तैयार हो गई, जिसमें बहुत सारी की विटामिन है, कैल्शियम है। ये आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसमें भरपूर मात्रा में हमने सब्जियां डाली है, बच्चों के टिफ़िन के रूप में भी इसको दे सकते हैं, सुबह के ब्रेकफास्ट के रूप में आप इसको बना सकते हैं। लास्ट में डाल दें आप इसमें एक नींबू, नींबू से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आधा टुकड़ा नींबू का मैंने इसमें डाला है। नींबू बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। ये बन करके तैयार हो गई, हेल्थी और टेस्टी आपकी सोयाबीन की एक शानदार सोया मंचूरियन, जो कि खाने में बहुत ही लाजवाब होगी। दिखने में जितनी खूबसूरत दिख रही है उससे कहीं ज़्यादा खाने में शानदार होगी। कैसी लगी आपको ये सोया मंचूरियन की रेसिपी, कमेंट्स बॉक्स में जाकर के मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताएं किस तरीके से आपको ये हमारी रेसिपी लगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स के साथ मुझे बताएं और आपको कौन सी रेसिपी पसंद है जिसे हम बना करके दिखाएं। एक शानदार, मज़ेदार, हेल्थी और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए हमारे अजय रेसिपीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।